हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमन सुथार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग नीट 2022 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आए हैं। उस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी और जिसकी हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 91 इज आरसीएच स्टैंड्स फॉर। आरसीएच का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हम क्वेश्चंस को हिंदी में लेकर के आएँ। आई ट्राई माई बेस्ट, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलूँ ताकि दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। हिंदी टाइपिंग भी देखेंगे, अगर हो सका तो पॉसिबल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, आरसीएच का मतलब क्या होता है? अगर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ा है तो सीधा सा उसमें आरसीएच का मतलब दिया हुआ है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ। बेसिकली क्या था कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य को लेकर के पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे के पूरे देश के अंदर प्रोग्राम्स चलाए थे। ठीक है, इसमें फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़, अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, गर्भ निरोधन के उपाय के बारे में लोगों को बताना, ये सब शामिल किया गया था और ये आज़ादी के जस्ट बाद से चल रहा है। ठीक है, फिलहाल इन सारे के सारे प्रोग्राम्स को जो कलेक्टिवली एक साथ इकट्ठे रूप से रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के तौर पर जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद, अगर हम बात कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जननांग हेल्दी हो और वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो, यस इनको इंक्लूड किया जाता है। इमोशनल आस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल इमोशनल आस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है, सोशल आस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पर कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एक स्टेटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 पक्ष होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैव 4 एस्पेक्ट्स जिसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट चारों आते हैं। जो 4 एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है? फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब है कि जननांग जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इमोशनल के साथ में यहाँ पर बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो, और इसी के साथ में एक और होते हैं सोशल, सामाजिक एस्पेक्ट कि सोसाइटी के अंदर इस चीज़ को कैसे लिया जा रहा है। इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव तरीके से इसे लिया जाना चाहिए। तो 92 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनोसेंटेसिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर। अमीनोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो फीटस होता है, फीटस के चारों तरफ एक फ्लूइड रहता है, जब वो यूट्रस के अंदर, गर्भ के अंदर जब भ्रूण होता है तो भ्रूण के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को सीरिन से बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर कुछ बायोकेमिकल एंजाइम और टेस्ट करते हैं। इन टेस्ट के थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है या नहीं, यानी कि अनुवंशिक असामान्यता या अनुवंशिक असामान्यता है या नहीं। इसका मिसयूज़ ये है कि इससे इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि भ्रूण जो है वो लड़का है या लड़की, ये भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन इससे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो के अंदर अमीनो अम्लों का मेटाबॉलिज्म, उपापचय के बारे में अगर कोई कमी है तो इसका पता नहीं लगाया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए और बी जो है ये दोनों ही कैसे हैं, सही है। ऑप्शन सी जो है गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू 94 क्वेश्चन।
प्रोजेस्टोजन्स इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनके अंदर प्रोजेस्टोजन्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है. प्रोजेस्टोजन्स या प्रोजेस्ट्रॉन प्लस ईस्ट्रोजन इन दोनों को दिया जाता है. इनका काम होता है एक तो ये ओव्यूलेशन, ओवरी से ओवम का निकलना, इट इज़ नोन एज ओव्यूलेशन को रोकते हैं. ठीक है, ओव्यूलेशन को रोकने के साथ ही साथ ये इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, गर्भ का यूट्रस के अंदर आरोपण. टू इम्प्लांट एम्ब्रियो इन द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. गर्भ का गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की दीवार में जाकर के धस जाना जो होता है वो क्या कहलाता है, रोपण. ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन दोनों को क्या करती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रोक देती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 95, डायफ्राम, सर्विकल, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, ये सारे के सारे किसके टाइप्स हैं. ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाओ तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन. ये सारे के सारे रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप है, यानी कि जिन्हें ऐसे गर्भ निरोधक उपाय जिन्हें कि दोबारा काम में लिया जा सकता है. ठीक है, दीज आर नॉट डिस्पोजेबल्स. ये IUDs भी नहीं है, क्योंकि IUDs जो होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस. तो ये जो है ये 95 का करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 96, ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधन के पारंपरिक उपाय जो हैं उनमें क्या क्या आते हैं. ठीक है, इम्प्लांटेशन, आर्टिफिशियल इम्प्लांटेशन गर्भ निरोधन के उपाय में नहीं आता है. सी और डी जो है, कॉन्डम्स एंड स्टरलाइजेशन भी उसमें नहीं आते हैं. लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, यानी कि मेंसेस का नहीं होना. बेसिकली जो पार्टुरेशन होता है, पार्टुरेशन यानी कि बर्थ, डिलीवरी के जस्ट बाद में कुछ टाइम पीरियड तक मेंसुरेशन शुरू नहीं होते हैं. तो अगर मेंसुरेशन साइकिल शुरू नहीं होगा तो उस टाइम पीरियड पे वापस से कंसीव नहीं किया जा सकता. सो इट इज़ अ नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट होता है 5 से 6 मंथ का. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, ओरल पिल्स यानी कि जो गर्भ निरोधक की गोलियां जो खाई जाती हैं ये किस तरीके से हेल्प करती है, किलिंग द स्पर्म्स इन यूट्रस, नहीं ये नहीं करती है. बैरियर्स बिटवीन स्पर्म्स एंड ओवम, ये भी नहीं करती है. प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, यस. किलिंग द ओवानो, हम बात कर चुके हैं पहले भी कि जो ओरल पिल्स होते हैं ये 2-3 काम करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल पिल्स, ओरल पिल्स के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं या फिर प्रोजेस्ट्रॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. टाइंग अप और रिमूविंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उसके एक छोटे भाग को या तो बांध देना, गांठ लगा देना, या फिर उसके पूरी तरीके से एक छोटे पार्ट को निकाल देना जिससे कि उसका कनेक्शन जो है वो क्या हो जाए, कट हो जाए, इसे क्या कहा जाता है, वैसेक्टॉमी, डक्टस एस्टीरियोसिस, आर्किडेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी. फ्रेंड्स एक टेक्निक आती है, इसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. स्टेरिलाइजेशन का सीधा सा मतलब ये होता है स्टेराइल बना देना, यानी कि बंध्य बना देना. इसके अंदर 2 टेक्निक्स काम में ली जाती है, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी. वैसेक्टॉमी मेल्स में वास डिफरेंशिया जो होती है उसको कट करके उसे टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसे बांध दिया जाता है. मेल्स में स्टेरिलाइजेशन की ये जो टेक्निक्स होती है इसे कहा जाता है वैसेक्टॉमी, और फीमेल्स के अंदर स्टेरिलाइजेशन की जो टेक्निक होती है उसे कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी. ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब को बांधना जो होता है दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल मैथड इज
ऑफ कंट्रासेप्शन इज़ ट्रू। नेचुरल जो तरीके होते हैं गर्भ निरोधक के, उनको लेकर के कौन से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। दे इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म, नहीं, स्पर्म्स का भक्षण जो है ये इनको नहीं बढ़ाती है। एम्प्लॉय बैरियर्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, नो दे डू नॉट प्रिवेंट बैरियर्स। नेचुरल वे ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस। बेसिकली नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं कि नेचुरली चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना, जैसे जो हाईली ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 डेट तक, उस टाइम पे कोइटस को अवॉइड करना, ठीक है। हम पहले भी 2-3 मेथड्स पढ़ चुके हैं इस चीज़ के, लैक्टेशन टाइम पीरियड के अंदर कोइटस जो होता है इट इज़ परमिसिबल क्योंकि वहाँ पे मेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सर्जिकल मेथड्स भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड, ये प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन में ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड रहता है। हम पिछली वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। जनरली 14-15 डेज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10-17 डेज इज द करेक्ट ऑप्शन। बर्थ कंट्रोल पिल्स चेक ओव्यूलेशन इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग द सीक्रेशन ऑफ। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती है जिनके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोजेस्ट्रॉन प्लस ईस्ट्रोजन दोनों होते हैं, ये किसके सीक्रेशन को होने से रोकती हैं। आपको अगर थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल याद हो तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो ना तो फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रिलीज होने देता है ना ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो नया साइकिल शुरू करते हैं और ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन्स के सीक्रेशन को ये रोकता है। तो 102 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द बोथ। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट। दिए गए जो बर्थ कंट्रोल के उपाय हैं इनमें सबसे सेफ कौन सा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। रिदम मेथड, इस तरीके का कोई मेथड प्रॉपर नहीं होता, इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल। यूज़ ऑफ फिजिकल बैरियर्स, जैसे वॉल्ट का यूज़ करना, या वॉल्ट्स हो गए, सर्वाइकल कैप्स हो गए, डायफ्राम्स हो गए, इनको काम में लेना। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, भ्रूण की हत्या करवाना, ये भी सही है। स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन टेक्निक के अंदर हम बात कर चुके हैं, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, वास डेफरेंस को बांध देना या फिर फेलोपियन ट्यूब्स को बांध देना, ये सबसे सेफेस्ट है। लेकिन दीज आर इरिवर्सिबल, यानी कि इनकी रिवर्सिबिलिटी, सक्सेस होने के चांसेस जो होते हैं इनको वापस से सही नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए इनको टर्मिनल टेक्निक्स ऑफ बर्थ कंट्रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन स्रावित करने वाली आईयूडी कौन सी है, आईयूडी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आईयूडी जो है दो तरीके की हो सकती है, एक वो जो कॉपर रिलीज करती है और दूसरी वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो होती है इनका काम होता है कि इनका जो कॉपर, ये कॉपर आयंस को रिलीज करती है जो कि शुक्राणुओं की मोटिलिटी को, यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता जो होती है, स्पर्म मोटिलिटी को कम करती है और उनकी निषेचन की कैपेसिटी, निषेचन करने की क्षमता को भी क्या करती है, कम करती है। इट सप्रेसेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। इसी के साथ में ये यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म को भी बढ़ाती है, शुक्राणुओं के भक्षण को बढ़ाती है। कॉपर रिलीजिंग के एग्जाम्पल हैं कॉपर टी, CU7 एंड मल्टीलोड 375, ठीक है। और हार्मोन जो रिलीज़ करने वाली IUDs होती हैं ये यूट्रस को अनस्टेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन, यानी कि यूट्रस को अनसूटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए, गर्भाशय को रोपण के लिए अनसूटेबल बना देती है। इसके एग्जांपल हैं LNG20 और प्रोजेस्टोस्टर्ट, ठीक है।
LNG20 and progesterone. Let's move to next question. ट्यूबेक्टॉमी इज़ अ मैथड ऑफ स्टरलाइजेशन. ट्यूबेक्टॉमी स्टरलाइजेशन का कौन सा मैथड है, पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है. स्मॉल पार्ट जो होता है इट इज़ रिमूव्ड और टाइड अप. ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी के अंदर ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. ओवरीज को रिमूव नहीं किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी, वास डेफरेंशिया का स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया जाता है. नहीं, इस प्रोसेस को वैसेक्टॉमी कहा जाता है. यूट्रस इज़ रिमूव्ड सर्जिकली, इसे भी ट्यूबेक्टॉमी नहीं कहा जाता. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू. ये हेपेटाइटिस बी, एड्स, सिफिलिस, ये सारी की सारी STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, जो कि अनसेफ सेक्स करने से ट्रांसफ़र होती है. इसके अलावा बॉडी फ्लूड जो होते हैं, बॉडी फ्लूड के कॉन्टैक्ट में आने से भी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. बॉडी फ्लूड्स के अंदर ब्लड भी आता है. तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाएगा, संक्रमित व्यक्ति का खून किसी अन्य को चढ़ाने पर भी ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगी. इसे कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट से आ सकती हैं, ऑफकोर्स सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से तो आती है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं. MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ. MTPs जो होती है इसे क्या कहा जाता है, MTPs की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मेडिकली भ्रूण को निकालना. ठीक है, MTPs कब तक किया जा सकता है, ये किया जा सकता है ऑलमोस्ट 3 मंथ के टाइम पीरियड तक, यानी कि 12 हफ्ते तक. 12 हफ्ते तक जनरली प्लेसेंटा सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होता है. प्लेसेंटा जो होती है वो पूरी तरीके से नहीं बनती है. प्लेसेंटा बनने के बाद में भ्रूण को निकालना जो होता है या MTP करना जो होता है, ठीक है, ये बेसिकली हार्मफुल हो सकता है, रिस्की काम हो सकता है. ठीक है, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स प्लेसेंटा जो होता है प्रॉपरली डेवलप हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट केस ऑफ IVFET टेक्निक सक्सेस वॉज रिपोर्टेड बाय. IVFET जो होती है टेक्निक, इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी करवाया जाता है. ह्यूमन बॉडी के बाहर इनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है. और 8 सेलुलर स्टेज जो होती है, 8 कोशी की अवस्था, ब्लास्टोमियर्स वगैरह बन जाने के बाद में इन्हें फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. ठीक है, और सबसे पहले सक्सेसफुल IVFET जो है, इट वॉज डन बाय पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्सेस. इनमें से किसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पर काम में लिया जा सकता है. ठीक है, नॉर्मल पिल्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वही केमिकल्स इमरजेंसी पिल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्ट्रॉन्स एंड प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन. करेक्ट ऑप्शन विल बी 109 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. 110 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. दी गई बीमारियों में से कौन सी बीमारी पूरी तरीके से सही हो सकती है अगर इसे टाइमली या शुरुआत में ही अगर इस बीमारी के बारे में पता लग जाए तो. ठीक है, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार. सिफिलिस जो है, यस इट कैन बी क्योर्ड. ठीक है, हेपेटाइटिस बी, इट कैन नेवर बी क्योर्ड. जेनाइटल हर्पीज भी नहीं, HIV इन्फेक्शन भी नहीं.
बेसिकली बी सी और डी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में अगर शुरुआत में भी पता चल जाए तो इनका कंप्लीट क्योर यानी पूरी तरीके से इनका उपचार नहीं किया जा सकता, लेकिन सिफिलिस का कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ डिजीज विच मेनली अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स इन मेल, बर्निंग फीलिंग ऑन पैसिंग यूरिन आफ्टर अ येलो डिस्चार्ज अकर्स दैट इज अकम्पनीड बाई फीवर हेडेक एंड फीलिंग ऑफ इलनेस। ठीक है, बीमारी के लक्षण दिए हुए हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिए हुए हैं कि यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होती है, ठीक है, मूत्र मार्ग और जो जनन मार्ग है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इफेक्टेड होती है, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो इस बीमारी से इफेक्टेड होती है। और यूरिनेशन के टाइम पे, मूत्र स्रावण के टाइम पे आपके बर्निंग सेंसेशन, जलन होना, येलो डिस्चार्ज, ठीक है, हेडेक और इलनेस, नौजिया का मिलना, ये जो बीमारी, ये कैरेक्टर्स हैं आपके कौन सी डिजीज़ के हैं, तो ये कैरेक्टर्स सीधे याद करने के कैरेक्टर्स हैं, इनकी डिजीज़ होती है गोनोरिया। एड्स के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, फिनिलकेटोन्यूरिया के अंदर भी ये कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो दीज कैरेक्टर्स आर ऑफ ऑप्शन नंबर बी, गोनोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, चांसेस ऑफ अ 5 ईयर बॉय गेटिंग अ एसटीडी आर वेरी लिटिल। सही है, 5 साल के बच्चे के लिए के अंदर एसटीडी होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। 5 साल के बच्चे में एसटीडी सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकती है, क्योंकि एसटीडीज का मतलब होता है जो बॉडी फ्लूड होता है, शरीर के अंदर जो तरल होता है उनका कांटेक्ट में आना, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से आए चाहे वो ब्लड के थ्रू आए। तो 5 साल के बच्चे में जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा तब तक एसटीडी होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अ पर्सन में कॉन्टैक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विद द वन हु इज ऑलरेडी सफरिंग द सेम डिजीज़। किसी इंसान में सिफिलिस दूध या किसी भी चीज़ को शेयर करने से नहीं होता है। हीमोफीलिया इज़ वन ऑफ द एसटीडी, नहीं, हीमोफीलिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनाइटल हर्पीज एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडी। हर्पीज इन एन एसटीडी, सिकल सेल एनीमिया भी पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन से होने वाली डिजीज़ है जिसके अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड बनना शुरू हो जाता है। सो 112 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। जो दी गई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें से किसे सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से काम में लिया जा रहा है? ठीक है, IVF इनविट्रो टेक्नोलॉजी बहुत रीसेंट है, अभी आई है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अभी आई है। ठीक है, GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र भी आपके रीसेंट है। तो ये सारी की सारी रीसेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट। दिए गए में से कौन सा मेथड एक ऐसी स्त्री के लिए काम में लिया जा सकता है जिसमें ओवम का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन उसका यूट्रस जो है वो सूटेबल है, यूट्रस जो है वो कैरिंग करने के लिए काफ़ी सूटेबल है। ठीक है, तो IUD इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस गर्भ निरोधन का उपाय है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट इज़ नॉट अ टेक्निक। GIFT की फुल फॉर्म पिछले उसी में ही थी क्वेश्चन में, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो होता है इसके अंदर किया क्या जाता है, बेसिकली इस टेक्निक के अंदर कोई भी एक फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है उसको तो उसके लिए एक प्रॉपर डोनर फीमेल को चूज़ किया जाता है। इस डोनर से ओवम लेते हैं और
जो भी मेल पार्ट है, जो फीमेल हस्बैंड है, उससे क्या लिया जाता है, स्पर्म। इनका क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो बनने वाला जाइगोट होता है, जाइगोट को ब्लास्टोमेर स्टेज के अंदर फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट विच कैन कैरी अ चाइल्ड, लेकिन जो एक चाइल्ड बर्थ को कैरी कर सकती है, ठीक है। इस टेक्निक का नाम क्या है, GIFT। बाकी की टेक्निक्स भी देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन तो है वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाकी दो भी देख लेते हैं। IUI क्या होता है, इट इज़ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का सीधा सा मतलब होता है, जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, उसी को ही बेसिकली कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। मेल से स्पर्म्स या शुक्राणुओं को लेकर के फीमेल की वजाइना या यूट्रस के अंदर डालना इंसेमिनेशन। IUI के अंदर इंसेमिनेशन जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। ICSI जो होता है, इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। बेसिकली इसमें किया क्या जाता है कि इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है इनसाइड द लेबोरेटरी। स्पर्म को, शुक्राणुओं को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को काम में लेते हुए, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन किया जाता है। इस बने हुए भ्रूण को आगे जा करके किसी एक फीमेल के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, इट इज़ करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 114। 115 क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इन अ फेलोपियन ट्यूब इज़ कॉल्ड। फेलोपियन ट्यूब के अंदर अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इसे क्या कहा जाता है, GIFT, या जो होता है इसे कहा जाता है ZIFT, या इसका ही दूसरा नाम आपके होता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। IVF और ET जो होते हैं, इसी के टाइप्स हैं सारे के सारे। ZIFT के अंदर प्रॉपर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। GIFT जो होते हैं वो गैमीट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है इन द इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। IUT जो होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये तरीका है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 116। मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इन टू ओवम, ठीक है। एक ओवम के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू देना, जिसे आप कहते हो माइक्रो इंजेक्शन, इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। ICSI जो है, इसे कहा जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 117। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ। जो इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। कौन से प्रोसेस के 72 घंटे के बाद में, कोइटस, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन ऑफ इम्प्लांटेशन, कोइटस, या जिसे कहा जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अंदर इनको लेना होता है। और इसमें जो बेसिकली दो केमिकल्स हो सकते हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन्स या प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर 118। फ्रॉम द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। नीचे दी गई STDs में से ऐसी कौन सी STD या ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि सेक्स ऑर्गन्स यानी जननांगों को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती है। सिफिलिस, सिफिलिस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर, उनकी जो लुब्रिकेशन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, या
जो आपके होता है बेसिकली HIV के थ्रू। एड्स वायरस जो होता है, एड्स का जो वायरस होता है ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। एड्स का जो मेन टारगेट होता है वो हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसको क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। इसका जननांगों से या सेक्स ऑर्गन से कोई रिलेशन नहीं होता। गोनोरिया और जेनाइटल वार्ड्स ये दोनों भी आपके जननांगों को या सेक्स ऑर्गन्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एड्स। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्डम्स सबसे पॉपुलर क्यों हैं? बिकॉज दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन। करेक्ट, क्योंकि एक फिजिकल बैरियर, भौतिक रूप से एक बैरियर का काम करते हैं। डू नॉट इंटरफेयर विद कोइटस एक्ट, कोइटस में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ओके, सही है ये ऑप्शन कि दे डू नॉट इंटरफेयर विद द कोइटस एक्ट, बट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STDs, ये भी सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि बी और सी सही है, लेकिन द क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वाई आर दीज पॉपुलर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इसमें क्यों होता है? फिजिकल बैरियर्स के कारण होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड इज। गर्भ निरोधन के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है जिसके अंदर बंध्य बनाने का काम किया जाता है या स्टेराइल कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन या बंध्य बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर सर्जिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी दोनों की जाती है। वैसेक्टॉमी का मतलब वैस डेफरेंशिया को कट करके टाई कर देना, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब को काटना और उसे बांध देना। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओवरेक्टॉमी, इट इज़ बेसिकली ओवरीज को रिमूव कर देना। ठीक है, अंडाशय को ही क्या कर देना, रिमूव कर देना, हालांकि ये करेक्ट मेथड नहीं है। हिस्टेरेक्टॉमी क्या होता है, यूट्रस को रिमूव कर देना, गर्भाशय को रिमूव कर देना। वैसेक्टॉमी इज़ करेक्ट ऑप्शन। वैसेक्टॉमी के अंदर वास डेफरेंशिया को एक जगह से काटा जाता है, फिर उसे बांध दिया जाता है। इस प्रोसेस से होता क्या है कि टेस्टिस से आने वाले जो स्पर्म्स होते हैं वो इजैक्युलेशन ट्यूब में नहीं जा पाते हैं, स्खलन नलिका में नहीं जा पाते हैं, और वो स्खलन नलिका से आगे यूरिथ्रा के अंदर भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। इसीलिए जो कोइटस के दौरान जो सीमन या वीर्य का उत्सर्जन होगा, वीर्य का जो इजेक्शन होगा, सीमन का इजेक्शन, उसके टाइम पे सिर्फ सीमन जो निकलता है वो विदाउट स्पर्म निकलता है। उस सीमन में सिर्फ असेसरी ग्लैंड जो होती है, सहायक ग्रंथियाँ जो होती है, उनका सिक्रीशन होगा। इट वोंट हैव स्पर्म्स, इसके अंदर स्पर्म्स नहीं होंगे। कैस्ट्रेशन, कास्ट्रेशन का मतलब होता है टेस्टिस जो होते हैं उनको क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो ऑप्शन नंबर 120 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ द वैसेक्टॉमी। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे PDF देखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर ऑल नीट फ्रेंड्स।